तो आज गंदम हमने जो सी ना शेड पे हम आए हैं, गंदम हमने सुखाई हुई है और मुर्गियां हमारी यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जो से नीचे बैठी हुई हैं। देखें ये सारा यहाँ पे गंदम खाने गए छकड़ों में है, लेकिन हमने इनको थोड़ी थोड़ी डाली भी है। आ, 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 आ। गंदम हमने इनको डाली है और गंदम ये खा रहे हैं। तो अभी ये है कि मंजी के ऊपर चढ़ के इन्होंने खाना स्टार्ट नहीं की, तो इनको बेहतर है कि हम लोग नीचे ही डाल दें थोड़ी सी हो। तो क्या मुर्गियों को हमने गंदम डाल दिया और गंदम सारी वो खा गए, तो अब हम थोड़ी और गंदम लेके आए तो गंदम और भी डालते हैं इनको ताकि वो खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार हम लोग शेड पे आए हैं, तो गंदम हमने मुर्गियों को डाल दिया और कबूतर हमारे जो थे ना वो शक्ल देख रहे हैं, मतलब कबूतर भी तक नीचे उतर के नहीं आए, वो देखे वहाँ पे हैं। इनके लिए भी हम लोग थोड़ी सी गंदम पकड़ के डालते हैं यहाँ से, तो ताकि ये ईज़िली यहाँ पर खा लें, ये ना हो कि ये नीचे आके तंग करना स्टार्ट कर दें। और तो अब हम इनके लिए गंदम ले कर गए हैं, ये देखें, और हमारा एक कबूतर नज़र नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो जंगली कबूतर था ये देखिए, एक दो तीन हमारे तीनों बैठे हुए हैं और जंगली कबूतर हमारा नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी। तो गंदम तो हम डालते हैं बाद में, मुझे लगता है कि वो छत पे बैठा होगा, तो हम उसको पहले छत पे ही देख लेते हैं। हाँ जी ये देखें माशाल्लाह से वो कबूतर हमारा, आह 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 वो देखे छत पे बैठा हुआ है हमारा कबूतर जंगली वाला। तो इसको उड़ाना नहीं है हमने, इसको वापस लेके आना। तो ये शाम को खुद ब खुद ही वापस आया था नीचे, तो अभी हम लोग जो उनसे अपने जो कबूतर ना इनको उड़ाएंगे ताकि ये उड़ के बाहर जाए। चलो ये देखिए ये उड़ के चले गए हैं बाहर, तो ये अब उनके उसके पास ले जाएंगे और वो इनके पास आ जाएगा कबूतर, तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये देख माशाल्लाह से ग्रुप बना के फिरते हैं। तो ये यहाँ पर यहाँ शाम को तीनों जो से नीचे आ जाएंगे और उस वाले कबूतर को हम लोग निकालते ही नहीं है बाहर, क्योंकि क्योंकि इसके पर जो से ना वो कटे हुए हैं, इससे फ्लाइंग होती ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको तंग भी नहीं करते। ये देखें ये देखें ज़्यादा तंग नहीं करते, जैसे नए पर आ जाएंगे ये खुद ब खुद ही फ्लाइंग करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हम चलते हैं शेड के अंदर, एवरी हमारी गन मास्टर केज के अंदर। तो ये देखें दोस्तों जहाँ पे काम ख़राब ही है, मतलब कि काम सेट हो ही नहीं सकता जो मर्ज़ी कर लें, क्या कि जो जितने भी बजेज हमने अंदर बंद करते हैं ना वो सारे बाहर आ जाते हैं दोबारा से, खुद ब खुद ही बाहर आ जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये बैठा हुआ बजरी, वो बैठा हुआ, वो खुजे में बैठे हुए बजरी, और पता बस यही है एक दो तीन, और ये दरवाजे पे बैठा हुआ, ये देखें, और एक अंदर बैठा हुआ है, चार पाँच ये निकले हुए हैं, मतलब इनको जितना मर्जी अंदर कर ले इन्होंने बात नहीं है ना, ये अंदर बाहर निकलाते हैं, और बाहर कहाँ से निकलते हैं, ये यहाँ पे जाली फटी हुई है यहाँ से निकलते हैं, और काफ़ी दफ़ा हमने जाली लगाई है। ये देखिए ये देखिए जाली का पीस इसके साथ लगा होगा, ये हमने ऊपर जाली काफ़ी दफ़ा लगाई लेकिन वो फिर भी उतार देते हैं। तो दोस्तों जिसने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो बजीज हैं ये बाहर जो आए हुए थे इनको हम लोग अंदर नहीं करेंगे, अब खुद ब खुद ही फ्लाइंग करते रहेंगे यहाँ पे, फिरते रहेंगे घूमते रहेंगे, क्योंकि इनको बार बार पकड़ के हम लोग थक गए हैं अंदर बंद करने से। तो दाना पानी हमने इनको प्रॉपर डाला हुआ यहाँ पर, और बजीज का भी हमने दाना पानी डाल रखा हुआ है इसी के अंदर ही है। बच्चे कुछ जो उनसे हैं वो अंदर ही हैं और कुछ बाहर आ गए हैं, माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो इसमें जो दो फीमेल हैं उनके दो बच्चे, दोनों फीमेल ने बच्चे निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे जो उनसे हमारा
फिश लटीन फिशरी का जो सा पीस है उसकी दुम टूटी हुई है, तो ये ठीक होने पर जख्म हुआ हुआ था इसको, तो हमने दवाई भी लगाई थी लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यार जो हमारा बजरी है उसका पैर जख्मी किया हुआ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी तरह ही होता है, इसलिए इनको बंद करके जाते हैं हम, लेकिन ये बाहर नहीं आते। और हमारे फिशरी ने भी कारनामा कर दिया, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये बजरी बैठा हुआ है, इसको पकड़ते हैं, ये देखें कहाँ ये इसकी फ्लाइंग नहीं है, और इसको दोस्तों इसका पैर यहाँ पे फिशी ने ज़ख्मी किया हुआ है। तो यार माशाल्लाह ये क्रस्टेड पीस है लेकिन इसकी फ्लाइंग नहीं है, इसके पर भी वीक है, तो इसको हम अंदर छोड़ देते हैं। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि फिशरी ने हमारे शॉपर का बेड़ा घर करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर स्पेस भी बना ली है, यहाँ से वो इजीली बाहर जा सकते हैं। तो हम लोग इसको भी यहाँ पे कवर करेंगे, ये ना हो कि यहाँ से वो निकल के बाहर जाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ से जितनी गली थी ना वो इन्होंने तोड़ दिया, काट दिया। तो यहाँ पे हम लोग जाली का पीस लगाते हैं, ये जाली यहाँ पे गिरी हुई थी, यहाँ ये है जाली छुड़वा के इसको पीस लगा देते हैं हम। तो यार दोस्तों ये वाला पीस है जाली का, ये इस जाली के पीस को हम लोग रखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सेट करके इसके अंदर ये साइड पे लगा देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। यार फिशरी को पता नहीं क्या दिमाग है, इनको कुछ और नहीं मिलता तो ये शॉपर खाने लग पड़ते हैं। तो यार ये बहुत नुकसान करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टील वगैरह लगाएंगे तो जब जाके रुकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।